चटकारा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठा करेला। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करेला के लिए आटा बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 कटोरी आटा, 2 स्वाद के अनुसार, 4 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच इसमें थोड़ी सी अजवाइन, आप चाहे तो इसमें मंगरेल भी मिला सकते हैं। अब इसमें हम पानी की सहायता से आटा को निमकी वाला आटा टाइप यानी थोड़ा सॉफ्ट उससे सानेंगे। आटा सन चुका है, ये बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, इस तरह का होगा। अब इसे एक एक करके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और उसके बाद पूरी के आकार में इसे बेलना है। पेड़े को हम पूरी के आकार में बेलेंगे, गोल जब बन जाएगा इस तरह से पूरी बेल लिए। अब इसे हम बीच में कट करेंगे, ऐसे इस तरह से बीच में दोनों साइड का ज्वाइंट जुड़ा ही रहेगा, सिर्फ बीच में इस तरह से कट करना है और इसे इस तरह से फोल्ड करना है। साइड जो ज्वाइंट था उसे दबाते हुए इसे राउंड मूव करना है और इस तरह से एक करेले का शेप तैयार है। बाकी पेड़े को भी हम इसी तरह से बेल करके करते चले जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इस तरह से बीच में कट करना है और दोनों साइड इसी तरह से ज्वाइंट करते चल जाना है। करके सारे करेले हम इस तरह से बना चुके हैं। अब इसे हम तेल में तलेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके तलने के लिए डालेंगे और इसे तब तक तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत बढ़िया नमकीन बनता है करेला, देखिए ऐसे तलेगा, साइज भी इसका काफी बढ़ जाता है तलने के बाद। हाई फ्लेम पर इसे तलना है। अब इसका कलर बहुत बढ़िया हो चुका है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कलर। इसे और तलेंगे हम जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। इस तरह से हमने सारे करेले तल लिए हैं, अब हमें चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए हम बस लिए हैं 1 कटोरी चीनी और इसमें थोड़ा सा पानी, सिर्फ इसे मेल्ट होने भर। मिलाएंगे रस किया हुआ भूका हुआ इलायची, 3 इलायची हम लिए हैं। चीनी मेल्ट हो चुका है, बस 1 मिनट और इसे मेल्ट कर लें। इस तरह से इसकी चाशनी तैयार है। चाशनी तैयार है, अब हम इसमें करेले मिक्स करेंगे इस तरह से। ये चाशनी में बिल्कुल
अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। अब दो मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे। दो मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद करेले में पूरे तरह से चाशनी एब्जॉर्ब हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी अंदर गीला नहीं है, पूरा चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। तैयार है और आप जरूर ट्राई करें, इसे सभी को खिलाएं।